इंदौर के गांधीनगर में गुरुवार को गोलीकांड हो गया, जिसमें एक महिला के नाक में गोली लग गई। महिला की हालत स्थिर है। बताया जाता है कि जिस महिला पर हमला हुआ है, उसका पति 8 दिन पहले ही ड्रग्स मामले में जेल से छूटा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गांधीनगर पुलिस ने जावेद खान निवासी मंगल मार्ग की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात बाइक सवारों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जावेद ने पुलिस को बताया कि गुरुवार को वह अपनी पत्नी आयशा खान दोनों अपनी मेस्ट्रो स्कूटर नंबर MP09AU7673 से अपने घर बड़ा गणपति चौराहा से एरोड्रम रोड होते हुए सुपर कॉरिडोर साइड वाला रोड से सुपर कॉरिडोर की बोहरा कॉलोनी के मोड़ पर 6:30 बजे के लगभग पहुंचे थे। तभी दो बदमाश पीछे से आए और पत्नी आयशा खान को जान से मारने की नीयत से नाक के पास सामने से देशी पिस्टल से गोली चलाई, जो आयशा खान के नाक के पास चोट लगी। हमले में आयशा को तुरंत नज़दीक के निजी अस्पताल ले गया। इधर रात में पुलिस को सूचना लगी। रात में मामले में कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार जावेद कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा है। उसका क्राइम रिकॉर्ड है। आयशा की हिस्ट्री भी क्लियर नहीं है। रात में जावेद को वारदात की जगह पर ले जाया गया था, लेकिन वह भी ठीक से स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। पुलिस के अनुसार अभी CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वारदात किसी को फंसाने के लिए तो नहीं की गई, इसके लिए भी दंपति से पूछताछ की जा रही है। आयशा की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप MP7 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर करें।